हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66 व्हिच आर पॉलीअमाइड क्लास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विल स्टार्ट फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। ठीक है, मैंने आगे ही आपको बोला है बेसिक जो वीडियो थे, बेसिक के वीडियो जो मैंने बनाए थे क्लासिफिकेशन के, उसमें मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था कि हम जब नायलॉन वर्ड हम बोलेंगे, नायलॉन जब हम सुनेंगे तो नायलॉन का मतलब है कंडेंसेशन टाइप का ये पॉलीमर है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 6 व्हिच इज ऑफ पॉलीअमाइड क्लास। चलिए, नायलॉन 6 के लिए मोनोमर जो है, मैंने आपको पहले बताया है पॉलीमर के लिए हमें मोनोमर अच्छे से याद होना चाहिए। तो नायलॉन 6 का जो मोनोमर है इट इज कैप्रोलेक्टम। ठीक है, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम क्या है बेटा? कैप्रोलेक्टम। चलिए, कैप्रोलेक्टम से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इसका भी लॉजिक है, आप रटिए मत कोई भी चीज। कैप्रो का मतलब होता है 6 कार्बन और लेक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं CH2 5 CO और यहां पे हम लिखेंगे NH। दिस इज कैप्रोलेक्टम व्हिच कंटेन 6 कार्बन एंड दिस इज साइक्लिक अमाइड व्हिच इज कैप्रोलेक्टम। चलिए, इसको अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, देखिए मोनोमर लिखने के बाद हम जनरली टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम लिखते हैं पॉलीमर का स्ट्रक्चर व्हिच इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेचर पर अप्लाई करेंगे 533 टू 543 केल्विन। अगर कैप्रोलेक्टम में इतना टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एंड विल गेट NH CH2 5 CH2 5 NC डबल बॉन्ड ओ डैश। देखिए, पॉलीमर में बड़ा इजी होता है मोनोमर जो है, मोनोमर लेके उसका टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं दोनों तरफ डैश लिखना जरूरी है क्योंकि ये एन नंबर में होगा। कैप्रोलेक्टम जो होगा एन टाइम्स होगा, है ना। इसको हम एन टाइम लेने के बाद इसको हम रिपीट करेंगे, ये हमारे पास एन मोल्स है। तो इस तरफ भी ये यूनिट इस तरफ भी होगा, ये यूनिट इस तरफ भी होगा, है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बेटा कितने हैं टोटल? 5 + 1 6। इसीलिए बेटा इसका नाम क्या है? दिस इज नायलॉन 6। क्लियर हो गया नायलॉन 6 का, है ना, प्रिपरेशन। याद रखो पॉलीमर केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है पॉलीमर का नाम, है ना। सबसे पहले पॉलीमर तभी प्रिपरेशन आप कर पाओगे जब आपको परफेक्ट तरीके से उसका मोनोमर, है ना, पता है। अब ये कहां यूज होता है? तो नायलॉन 6 का यूज है ये टायर के अंदर, टायर कॉर्ड्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, टायर कॉर्ड्स के अंदर नायलॉन 6 का सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। फैब्रिक्स एंड रोप्स के अंदर इसका यूज है, फैब्रिक्स एंड रोप्स। चलिए, क्लियर हो गया नायलॉन 6। स्नैप ले लो फटाफट जल्दी और प्रिपेयर करने लो, है ना। ये एनसीईआरटी में बहुत बार रिपीट हुआ है नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर। नायलॉन 6 बनेगा कैप्रोलेक्टम से बाय अप्लाइंग दिस मच ऑफ टेम्परेचर एंड बाय पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन विल गेट नायलॉन 6। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टायर कॉर्ड्स फैब्रिक्स एंड रोप्स के अंदर यूज होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाया हमने? ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, CO लिखा एक तरफ, एक तरफ हमने लिख दिया NH और बीच में हमने लिख दिया CH2 5। चलिए, तो ये हो गया नायलॉन 6 का प्रिपरेशन बेटा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड जो है, सेकेंड पॉलीमर अभी जो मैं पढ़ रहा हूं दैट इज नायलॉन 66। दूसरा पॉलीमर हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है नायलॉन 66। जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने अपलोड करा हुआ है, इंट्रोडक्शन के लेक्चर के अंदर भी हमने दिखा था ये नायलॉन 66। चलिए बेटा, नायलॉन 66 जो है, देखो 66 नंबर का लॉजिक मैंने आपको बताया है, 66 नंबर का लॉजिक। इसका लॉजिक है दो मोनोमर है और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 66 होंगे, है ना। जैसे कि मोनोमर्स हैं इसके, मैं लिखता हूं यहां पे, आई राइट मोनोमर्स आर, मोनोमर्स कौन से हैं? हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, डायअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। क्लियर हो गई? चलिए, हेक्सामेथिलीन डायमाइन देखते हैं। हेक्सामेथिलीन, हेक्सा मतलब 6, मेथिलीन का मतलब हो गया CH2, डाय मतलब 2, अमाइन मतलब NH2। देखिए, आप ऐसे स्ट्रक्चर याद कीजिए, आप रट्टा मत मारो, कोई भी फैकल्टी कैसे भी आपको पढ़ा दे रट्टा मत मारो। हेक्सा 6, मिथिलीन का मतलब CH2, डाय मतलब 2, अमाइन का मतलब NH2, पूरा लॉजिक है वो। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का मतलब
इसका भी लॉजिकल वर्ड है टेट्रामेथिलिन, क्या नाम है दूसरा इसका, टेट्रामेथिलिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो सी डब्ल्यू एच होंगे, उसको भी हमें लिखना है एन टाइम्स, मोनोमर पता है एन टाइम्स देते हैं, है ना। अब ये दोनों जो मोनोमर है इसके अंदर अप्लाई करेंगे 553 केल्विन टेम्परेचर, 553 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसके अंदर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट हो गया बेटा, क्या एलिमिनेट हो गया OH एंड H, चलिए यहां से H आप हटा दोगे, व्हाट इज लेफ्ट NH, व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर C डबल बॉन्ड, देन CH2 फोर टाइम्स, OH यहां से आप हटा दो, CO बाकी रहेगा N टाइम, NH के बाद यहां पे क्या बाकी रहा बेटा CH2 6, उसके बाद अगर यहां से H हटा दोगे NH डैश, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन मतलब क्या ऐड करोगे, दिस इज अ पॉलीअमाइड क्लास, देखो आप CONH है, CONH मतलब पॉलीअमाइड क्लास का है, ये स्ट्रक्चर देख के आप बहुत सारी बातें बता सकते हो, इसका क्लास क्या है, इसका क्लास है पॉलीअमाइड, देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो लीनियर है ये थर्मोसेटिंग तो है नहीं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है ये, है ना, ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक है ऐसा बोल सकते हो आप, है ना, बहुत सारी बातें स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर पॉलीमर में करने बड़े जरूरी है, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आप बहुत अच्छे से फोकस करो, और पॉलीमर का नाम और पॉलीमर के स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला आपको सबसे पहले इसके मोनोमर्स अच्छे से याद करने हैं, काई होता है ये ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, काई होता है इसका ब्रिस्टल्स फॉर ब्रश, ब्रशेस में यूज होता है ये, है ना, सीड्स बनाने के लिए यूज होगा ये, और इसका और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है सीड्स के अलावा भी, नायलॉन 66 जो पॉलीमर है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इतना आप याद करिए नायलॉन 66 के बारे में। चलिए बच्चों वीडियोस आप देखते रहिए, अलग अलग मैंने इसलिए डिवाइड कर दिए हैं पॉलीमर के वीडियोस, क्योंकि आपको जो पॉलीमर पर्टिकुलर देखना है वही वीडियो आप प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल पे ओपन कर सको, है ना। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए, थैंक यू सो मच।